हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा, स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर बनाना बताऊंगी, घर पर कैसे बनाते हैं। लॉकडाउन के चलते बटर पेपर कहीं पर नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट आती है कि मैम हमें केक बनाना है और बटर पेपर नहीं है तो हम क्या करें। इसलिए आज आपको बता रही हूँ। और इसे आप बना कर रख सकते हैं, ये सालों साल ख़राब नहीं होता। आप इस तरह पेपर में रैप करके रख दीजिए, बहुत से व्यूवर्स की परेशानी दूर हो जाएगी कि हमें बटर पेपर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बटर पेपर बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह के A4 साइज़ का पेपर। ये आपके बच्चों के पास तो होता ही है, तो वो ले लीजिए। और आपका प्लेटफॉर्म सरफेस साफ़ होना चाहिए। और ये दोनों पेपर को हम साथ में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही इजी है बनाना, आप बनाकर रख सकते हैं, कभी भी यूज़ कीजिए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल चाहिए और हमें इस तरह का ब्रश चाहिए, ये मेरे पास रहता है, मैं केक मोल्ड में इसी से ऑयल लगाती हूँ। अब हम इस तरह से पूरे पेपर पर ऑयल लगाएंगे। पूरे पेपर पर ऑयल अच्छे से लगना चाहिए, ताकि आपका नीचे के पेपर में भी ऑयल लग जाए। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास कॉटन होगा वो ले लीजिए, उसे ऑयल में अच्छे से डुबो कर फिर निचोड़ कर इस तरह आप लगा दीजिए, तो भी आप ऑयल अच्छे से लग जाता है। मार्केट का बटर पेपर बहुत पतला आता है, ये थोड़ा थिक बनता है और ये बहुत यूज़फुल है, ये ख़राब भी नहीं होता है जल्दी से। पार्चमेंट पेपर पतला नहीं होता है, ये सेम उसी तरह बनता है पार्चमेंट पेपर के जैसा। अब आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम क्या करें, कहाँ से लाएं, तो आप इस तरह घर पर खुद बना लीजिए। ऑयल अच्छे से लगना चाहिए चारों तरफ पेपर में, कहीं से भी ये छूटना नहीं चाहिए, तो अच्छे से लगाइए। ये पार्चमेंट पेपर आपको बहुत यूज़फुल है, ये बहुत सी चीज़ों में आपको काम आएगा, तो ये आप इस तरह से बना कर रख दीजिए, जब आपको यूज़ में आए तो आप निकाल कर उसे यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से ऑयल लगाया है चारों तरफ, कहीं से भी ये नहीं छूटना चाहिए। मैंने डबल पेपर लिया था और दोनों पेपर को ऑयल लग गया है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे से भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दूसरे पेपर को भी ऑयल अच्छे से लग गया है। इस तरह से आपको ऑयल लगाना है। आपके पास इस तरह का किचन टिश्यू पेपर होगा वो ले लीजिए, इसे फोल्ड करके हमें इससे पूरा ऑयल पोंछना है। पूरा ऑयल अच्छे से पोंछ दीजिए, पेपर पर नहीं रहना चाहिए। और इसे हमें पलट कर दूसरी तरफ भी ऑयल पूरा पोंछना है, ऑयल ज़रा भी नहीं चाहिए पेपर पर। अब हम दूसरी तरफ भी ऑयल पोंछ देंगे और प्लेटफॉर्म पे भी ऑयल लगा है उसे भी पोंछ देंगे, नहीं तो अगर आप पेपर रखेंगे तो वापस से ऑयल लग जाएगा। जिस तरफ से ऑयल पोंछ दिया उससे आप नीचे की तरफ रखिए और ऊपर से भी अब आप ऑयल अच्छे से पोंछ दीजिए। आप चाहे तो 3-4 बार पेपर पलट कर ऑयल पोंछिए, क्योंकि पेपर पर ऑयल ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। ये मार्केट से भी अच्छा बटर पेपर बनता है, थिक बनता है, पतला नहीं। अब इसे आप दूसरी तरफ पलट दीजिए, यहाँ से भी अच्छे से ऑयल पोंछ दीजिए। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से ऑयल पूरा पोंछ दिया है। सेम ये मार्केट का पार्चमेंट पेपर बटर पेपर जैसा ही बना है। सरफेस को साफ़ कर लीजिए। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ पेपर से ऑयल निकालने का। आपके पास इस तरह का कोई भी वेस्टेज वाइट कलर का कपड़ा हो वो ले लीजिए, उससे भी आप इस तरह इसे साफ़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत आसानी से हो जाता है। अब इसे हम पलट देंगे, सरफेस को साफ़ कर लीजिए और दूसरी तरफ से भी आप पेपर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इससे भी जल्दी से साफ़ हो जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और कलर वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पेपर को कलर लग जाएगा, तो इसीलिए वाइट लीजिएगा। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल को पोंछ दिया है, किधर भी ऑयल आपको दिख नहीं रहा है। अब आपको बताती हूँ इसे स्टोर कैसे करना है। आपके बच्चों के पास कोई भी ड्राइंग की बुक या कोई भी बड़ी बुक हो वो ले लीजिए, उसके अंदर आप पेपर को रख दीजिए, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है, सालों साल तक चलता है। आपको जब भी यूज़ में आए तब आप इसे निकालिए और यूज़ कीजिए। एक तरीका और है इसे स्टोर करने का, आपके पास इस तरह का न्यूज़पेपर हो वो ले लीजिए, उसके ऊपर ये बटर पेपर रख दीजिए और इसे आप इस तरह से पेपर के साथ रोल कर दीजिए, इसे पूरा इस तरह आप रोल कर दीजिए और इसे रख दीजिए, ये सालों साल तक ख़राब नहीं होगा।
मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए इस तरह से आप इसे रख दीजिए, और जब भी आपको यूज़ करना है तो इसे आप निकालिए और इस तरह से इसे खोल दीजिए, सेम उसी तरह जिस तरह आप पार्चमेंट पेपर का रोल लाते हैं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा ही दिख रहा है आपको, देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, आप बनाइए और मुझे बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।